हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस में लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा विधि। सबसे पहले आपको पूजा के स्थान को शुद्ध कर लेना है गंगा जल या शुद्ध जल से। इसके बाद आपको पटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, जिसमें आपको रोली का इस्तेमाल करना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आपको उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। आप चाहें तो पीले कपड़े का इस्तेमाल भी पूजा में कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी, गणेश और माँ सरस्वती की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करना है, और फिर उसके बाद भगवान कुबेर की फोटो को या फिर प्रतिमा को स्थापित करना है। इसके साथ ही कुबेर यंत्र को भी स्थापित करें। आप चाहें तो आपके घर की तिजोरी, जिसमें आप गहने रखते हैं और पैसे रखते हैं, उसे भी पूजा में ज़रूर रखें और उसका पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होती रहेगी और आपको धन लाभ भी होंगे। इसके बाद आपको पूजा की एक थाली तैयार करनी है, जिसमें सभी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, क्योंकि हम भगवान का पूजन पंचोपचार विधि से करते हैं। इसके बाद एक कलश में स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उसे पूजा के स्थान में रखें। इसके बाद आपको सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना है, जिनमें हो जाए हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाने हैं। इसके अलावा धूप दीप से आपको पंचोपचार विधि पूजन करना है। साथ ही आपको गणेश जी पर चावल यानी कि अक्षत अर्पित करना है। पूजन के बाद आपको माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है। इसके बाद गणेश जी को पुष्प चढ़ाएं। इस पूजा के साथ साथ आपको गणेश जी का आह्वान करना है और साथ में लक्ष्मी माँ का भी आह्वान करना है। आइए जान लेते हैं आह्वान किस तरह से करना है। पूजा में गणेश जी के नामों का उच्चारण करें, जैसे कि एक दंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः, गजोधराय नमः, गौरीसुताय नमः, गणनाथाय नमः, गणाधिपाय नमः, एक दंताय नमः। इस तरह से गणेश जी के मंत्रों का आह्वान करें। इसके बाद माँ सरस्वती का पूजन करें। माँ सरस्वती के पूजन में माँ को हल्दी लगाएं और लाल सिंदूर लगाएं। इसके बाद माँ सरस्वती पर अक्षत छिड़कें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं महा सरस्वती नमः, माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी को सबसे पहले हल्दी लगाएं, तिलक लगाएं यानी कि लाल रोरी लगाएं, और माँ के ऊपर अक्षत छिड़कें। माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी को फूल अर्पित करें, माँ सरस्वती को भी फूल अर्पित करें, और फिर इसके बाद भगवान कुबेर की पूजन करें, जिसमें भगवान कुबेर के मंत्रों का जाप करें। भगवान कुबेर का मंत्र है ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेराय नमः मंत्र से भगवान कुबेर जी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी जी को धूप दिखाएं। धूप दिखाने के साथ साथ गणपति जी, सरस्वती जी, सभी देवताओं को एक साथ धूप दिखाएं। इसके बाद भगवान कुबेर देव का पूजन करें, जिसमें कुबेर देवता को सर्वप्रथम हल्दी लगाएं। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। इसके बाद लाल रोरी लगाएं और अक्षत छिड़कें। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। भगवान कुबेर पर फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कुबेर को धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद भगवान कुबेर का आह्वान करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुबेर देवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः।
विष्णु प्रिये नमस्तु तु भयम् नमस्तु भयम् जगद्दते हान्तम् हन्त्री नमस्तु भयम् समृद्ध कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। इसके बाद तिजोरी का पूजन करें। हल्दी कुमकुम और चावल का बारी बारी तिलक करें और फूल अर्पित करें। इसके बाद तिजोरी बॉक्स पर स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं, जो कि बेहद ही शुभ माना जाता है और जहाँ भी हम धन संपत्ति रखते हैं वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्वास्तिक का चिन्ह रोल, इसके अलावा आप घर के मुख्य द्वार पर भी स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद स्वास्तिक पर चावल अर्पित करें और उस तिजोरी को नमन करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवान को दीप अर्पित करें। दिया बड़ा इस्तेमाल करें ताकि ये दीप काफ़ी देर तक जलता रहे। भगवान जी को भोग अर्पित करें। भोग में आप चाहे तो कुछ भी मीठा रख सकते हैं, खीर, गुड़, शक्कर, मिठाई, जैसे कि आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप जो भी चाहें वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद दीपक दिखाएं भगवान को, उनका पूजन करें और मन में भगवान से अपनी मनोकामना को बोलें और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जी और कुबेर देवता से प्रार्थना करें। वे निश्चित ही आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद तिजोरी को भी दीपक दिखाएं और दीपक को वापस अपने स्थान पर रख दें और सभी को आरती दें। आप चाहें तो पूजन के बाद आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद दीपक को अपने स्थान पर रख दें और भगवान के मंत्रों का निरंतर जाप करते रहें ताकि हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। फ्रेंड्स, ये था धनतेरस की कुबेर पूजन विधि, जिसको करने से हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही ये बेहद ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो इस पूजन में इत्र भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी अच्छा सा फ्रेग्रेंस जो कि आपको अच्छा लगे, नया लाकर भगवान को अर्पित करें, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी लक्ष्मी कुबेर पूजन विधि। कहते हैं कि किसी भी पूजन के पहले गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा किए बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पूजा में जिन जिन सामग्रियों के बारे में बताया, इन सामग्रियों को याद रखें। जो पूजा विधि हमने आपको बताई है, उस पूजन विधि से आप भगवान को खुश करें। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता जी के मंत्रों का आह्वान करें। आइए जानते हैं कि ये मंत्र क्या है। विष्णु प्रिये नमस्तु तु भयम् नमस्तु भयम् जगद्दते हान्तम् हन्त्री नमस्तु भयम् समृद्ध कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठेश्वर पूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। भगवान को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को याद करें। दीपक के भी पैर पड़ें, क्योंकि दीपक का अपना एक विशेष महत्व होता है जो अंधेरे को दूर करता है, और भगवान की पूजा में दीपक का विशेष महत्व है, इसलिए उसका भी पूजन करना ना भूलें। भगवान को सर टिकाकर नमन करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे दिल से प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है, इसलिए पूजा में
सावध अक्षत का प्रयोग किया जाता है।